नए तरीके से विकसित किया जाएगा लखनऊ रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट विकास सर्वे आज से दो दिन तक चलेगा। नए तरीके से विकसित करने के लिए होगा सर्वे। एनओसी मिलने के बाद एलडीए करेगा विकास कार्य शुरू। एलडीए ने एडवेंचर गेम भी शुरू करने की तैयारी की है। एलडीए गोमती नदी के तट को खूबसूरत बनाने में जुटा। विदेश दौरे में सरकार को रोजाना मिल रही सफलता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ा निवेश। विदेश दौरे में सरकार को रोजाना मिल रही सफलता। जापान से 15,000 करोड़ के निवेश के करार पर लगी मोहर। जापान यूपी में टेक्सटाइल पार्क की करेगा स्थापना। 5,000 करोड़ रुपए जापान कचरा प्रबंधन में करेगा निवेश। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स हरीश गिडवानी को भेजा जेल। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स हरीश गिडवानी पर लगवाया जुर्माना, साथ ही जेल भेजने का दिया आदेश। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार जारी करदाताओं का उत्पीड़न कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का दोषी माना। 7 दिन की जेल। इनकम टैक्स विभाग को हाई कोर्ट का बड़ा झटका। इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली पर एससी की गंभीर टिप्पणी। इनकम टैक्स के केसों की बाढ़ आ गई है। संसद में सीढ़ी पर पैर फिसलने से कांग्रेस सांसद शशि थरूर हुए चोटिल। संसद में सीढ़ी पर पैर फिसलने से कांग्रेस सांसद शशि थरूर चोटिल हो गए हैं। शशि थरूर ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एक छोटी सी असुविधा हुई है। कल संसद में एक स्टेप मिस हो जाने के कारण मेरे बाएं पैर में बुरी तरह मोच आ गई। शशि थरूर ने कहा कि कुछ घंटों तक मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन ये दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मैं फिलहाल चल फिर नहीं सकता हूं और आगे के कार्यक्रम रद्द करने पड़े। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन तिवारी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते दबोचा। औरैया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन तिवारी को कानपुर से आई विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। घूसखोर अधिकारी को औरैया कोतवाली लेकर पहुंची विजिलेंस की टीम के अधिकारी विधिक कार्रवाई में जुटे। दिव्यापुर थाने की हवालात में पहुंचे रिश्वतखोर डीएसए सेवानिवृत्त शिक्षक से एजेंट की एवज में ली थी 50,000 रुपए की रिश्वत। विजिलेंस के छापे से बेसिक शिक्षा विभाग में मची खलबली। डीएसए के औरैया स्थित अस्थायी निवास पर विजिलेंस टीम की खोजबीन जारी। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही को गोली मारने वाले बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी कर चलाया सर्च अभियान। मुठभेड़ के दौरान सिपाहियों को भी लगी गोली। पुलिस ने यशपाल विकास को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने कल नकटिया पुलिस चौकी में घुसकर दिया था घटना को अंजाम। कैंट थाना क्षेत्र के क्यारा रोड पर हुई मुठभेड़। मुंबई घाटकोपर में पारेख अस्पताल के पास पिज्जा रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। मुंबई के घाटकोपर में पारेख अस्पताल के पास शनिवार दोपहर को विश्वास नाम की इमारत के पास एक पिज्जा रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई है। थोड़ी ही देर में आग और ज्यादा फैल गई। आग की लपटें देख लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारण पारेख अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानी हो रही है। इस कारण मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसूरी में एशियाई देशों के ज्योतिषाचार्यों का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी मसूरी में एशियाई देशों के ज्योतिषाचार्यों का 3 दिवसीय एशियन एस्ट्रो सम्मेलन शुक्रवार से शुरू। इस एस्ट्रो मीट में ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष की विभिन्न विधाओं पर मंथन के साथ ही भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित यजदान अपार्टमेंट गिराते समय हुआ हादसा। लखनऊ के हजरतगंज स्थित यजदान अपार्टमेंट गिराते समय हुआ हादसा। बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे आ गिरा जिसमें कई गाड़ियां दब गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मलबे के नीचे कई मजदूर भी दब गए हैं। हादसे के बाद एलडीए कर्मी और ठेकेदार मौके से भागे। पीएम मोदी ने सदियों बाद संस्कृतियों को काशी तमिल संगमम के माध्यम से जोड़ा अमित शाह। भारत एक भू सांस्कृतिक देश है। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम के जरिए
सदियों बाद संस्कृतियों को जोड़ा है। प्रत्येक एकता के पुनर्जागरण के लिए एक महान प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम आयोजन के माध्यम से किया है। यह भारत की सांस्कृतिक एकता के पुनर्जागरण के लिए एक महान प्रयास किया गया है और मोदी ने काशी संगम को सेतु बनाकर लंबे समय के बाद विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा है और दूरी को समाप्त किया है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने की एफबीआई की मदद। 10 सालों में हजारों अमेरिकी बुजुर्गों को ठगने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई की मदद करने के लिए अमेरिका के अटॉर्नी फिलिप सेलिंगर ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस का किया धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के बहाने ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी गगन लावा अभी फरार है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोलकाता के राज्य सचिवालय नवान स्थित सभागार में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक शुरू। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ओडिशा के मंत्री प्रदीप कुमार अमित और तुषार कांति बेहरा शामिल हो रहे हैं। कमाई कुछ नहीं, खर्च लाखों रुपए महीना। यूपी के कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रिजवान और उसके परिवार को लेकर हुआ सनसनीखेज खुलासा। जांच में पता चला है कि रिजवान और उसके परिजनों का खर्च लाखों रुपए महीना है, जबकि उसके आमदनी का कोई साधन नहीं है। पुलिस ने जब रिजवान और उसके परिवार की बैंक डिटेल की जाँच की तो पता चला कि परिवार के पास 4 बैंक अकाउंट हैं। रिजवान के बैंक अकाउंट में नवंबर महीने में 8 लाख रुपए आए थे। हालांकि ये पैसा किसने भेजा था इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस उसके और उसके परिवार के अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। फकरपुर से गायब 7 साल के मासूम का 40 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। 7 साल के मासूम का 40 घंटे के बाद भी सुराग नहीं। जंगल की खाक छान रही कई थानों की पुलिस फोर्स जंगल में उड़ाए ड्रोन कैमरे, सर्च ऑपरेशन जारी। डॉग स्क्वाड टीम भी जंगल में कर रही तलाश। बागपत जनपद के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के फखरपुर का मामला। लखनऊ भाजपा कार्यालय में भी चोरों का आतंक। बीजेपी प्रोटेस्ट कवर करते समय न्यूज चैनल संवाददाताओं का चोरों ने उड़ाया फोन। भाजपा की भीड़ में चोरों ने काटा पत्रकारों की जेब। जेके न्यूज चैनल संवाददाता अनूप त्रिपाठी का फोन हुआ चोरी। फोन चोरी का मुकदमा लिखने से हजरतगंज एडिशनल प्रभारी ने किया इनकार। बात करने के बाद ही मुकदमा लिखने की कही बात। चीन ने काबुल हमले के बाद अफगानिस्तान में लाने वाली बड़ी योजनाओं को टाला। काबुल के चाइनीज होटल में विस्फोट के बाद तालिबान सरकार चीन के समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। 12 दिसंबर को हुए हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के ने ली थी। ये हमला अफगानिस्तान में चीनी राजदूत वांग यू द्वारा तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानी कजई से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ। इस मुलाकात के दौरान वांग यू ने काबुल में चीनी दूतावास की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया था। पीओके ने की पाकिस्तान से मुक्ति की मांग। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान से उसके अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर में विकराल समस्या पैदा हो चुकी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। वहां के स्थानीय नागरिक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के जीरो कोविड पॉलिसी में छूट देने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई। चीन के जीरो कोविड पॉलिसी में छूट देने के बाद मरीजों की बढ़ती संख्या पर कुछ विशेषज्ञों ने जताई चिंता। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है कि साल 2023 में चीन की एक तिहाई से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। यमन और कवायली लड़ाकों के बीच फिर छिड़ा संघर्ष। यह संघर्ष यमन के सरकारी बलों और कवायली लड़ाकों के बीच
देश के तेल समृद्ध मारिव प्रांत में हुआ इस भीषण संघर्ष में कम से कम 20 लोगों की मौत के साथ ही कई अन्य घायल होने की खबर है। पिछले 24 घंटों के दौरान सरकारी सैनिकों और सैकड़ों कबायली लड़ाकों के बीच भारी लड़ाई जारी रही, जिसमें 12 सैनिक और 8 सशस्त्र आदिवासी मारे गए हैं। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। अभी भी संघर्ष जारी है। पुतिन के सहयोगी से कहा, या तो हम जीतेंगे या दुनिया तबाह हो जाएगी। अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन के गुरु या पुतिन के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि रूस दुश्मन से हार नहीं मानेगा, या तो हम जीतेंगे या दुनिया तबाह हो जाएगी। उन्होंने TV9 भारतवर्ष चैनल से विशेष इंटरव्यू में बात करते हुए यह टिप्पणी की। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।